प्रणाम जय जिनेन्द्र। नमस्कार। नए नए विषयों के साथ में हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं आपका इष्ट गुरु निकुंज। नए विषयों के साथ आज वापस आप सभी के सामने हाजिर हूं। जल्दी से फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जमकर शेयर करें, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा रवि पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग आने वाला है। चौतरफा लाभ। सैकड़ों लोगों ने मुझे क्वेश्चन करके पूछा है, गुरु जी इसके बारे में बताइए। तो कि साल के आखिरी के अंदर 11 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले खास चंद्रमा शुभ कर्क राशि में है और रविवार को 11 अक्टूबर को ये बहुत शानदार योग आने वाला है। और ये योग आपकी लाइफ के अंदर तीन प्रकार के विशिष्ट लाभ करेंगे। तो ये वीडियो खास आपको देखना है, जम करके शेयर करना है और आप जो भी इष्ट देव में बिलीव करते हो उसको नमन प्रणाम मेडिटेशन ध्यान मंत्र जाप आराधना करनी है। सर्वार्थ सिद्ध जो योग आएगा, विवाह का जो प्रबल योग आएगा, तो खास माँ भगवती पद्मावती माता, जितने भी विवाह के इच्छुक व्यक्ति लड़कियाँ हैं वो सभी लोग रविवार को उपवास करें, सूर्य उपासना करें, पद्म प्रभो स्वामी जी भगवान का ध्यान करें। ओम रीम श्रीम अरहम श्री पद्म प्रभो स्वामी ने नमः, इसकी तीन माला गिने पूर्व दिशा के अंदर बैठे, क्योंकि विवाह के अंदर आपको सफलता मिलने का प्रबल राजयोग बन रहा है। तो खूब संकल्प के साथ में वक्तांबर का 12वें नंबर का श्लोक, मेरा शुभ विवाह हो चुका है, मैं पूर्ण रूप से विवाह के लिए तैयार हूँ और मुझे मेरा मन चाहा व्यक्ति मिल चुका है। इस प्रकार के संकल्प के साथ में वक्तांबर की 12वीं गाथा विश्व भर के लाखों युवा युवतियों के लिए ये लाभदायी रहेगा। तो एक पुण्य वृद्धि का और प्रकृति के साथ में मिल करके रुके हुए जितने भी कार्य है, नौकरी है, शादी है, ब्याह है, सोना चांदी खास खरीदना है, दरिद्र को जो भगाना चाहता है, एक ग्राम भी सोना आप खास ले सकते हो। मंत्र साधना, इष्ट मंत्र, कोई भी सिद्धिदायक मंत्र का जाप का प्रारंभ करना है। ये आपको लग रहा है कि मैं ये मंत्र जब पहले गिनता था तो बहुत मुझे तुरंत रिजल्ट मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा वीक हो गया हूँ तो उसको वापस रिफॉर्म करना है, वापस रिचार्ज करना है या साधना पुनर् का प्रारंभ करना है। तो मंत्र साधना के लिए भी 11 अक्टूबर रविवार बहुत पावरफुल दिन है। पैसों का इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर करना चाहते हो, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ज़रूर आप इस दिन बात कर सकते हो, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। विदेश में जाने के लिए, विदेश में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, यदि वो चाहते हैं कि मैं कम वापस अपने अपने घर पर अपने अपने कार्य के ऊपर लग जाऊँ या पढ़ाई के लिए आगे का सुनहरा भविष्य का शुभारम्भ करूँ, तो कि विदेश के कार्य के लिए बहुत 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 लाभदायी है। उपाय क्या करना है, तो सूर्य की उपासना, सूर्य के आपके पास 1008 नाम हो तो उसको पढ़ना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना है। शनि का नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्र है, खास लाल धागा रक्षा पुटली जो हमारा पूरा सिद्ध चक्र पूजन आदि विधानों में दी जाती है, तो अपने जो भी गुरुदेव है उनके पास जाकर के इष्ट गुरु के पास से रक्षा पुटली बांधे या उपकरण भंडार में से लाके तीन नमस्कार महामंत्र गिन करके हाथ में लाल धागा, लाल कलर की कोई भी मिठाई भी आप खा सकते हो, गरीबों को भोजन कराएं और थोड़ा सा सोना जरूर आपको लेना है। और सोना नहीं भी ले सकते तो घर में यदि तिजोरी में रखा हुआ सोना है उसको भी गुलाब जल से, शुद्ध जल से साफ करके जरूर पहने। बहुत शानदार गुरु पुष्य रोग में जो योग में जो विशिष्ट लाभ होता है, वैसा ही पावरफुल जो है वो ये खास करके रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है। जिसको भी लंबे समय से बीमारी रहती है, बीमारी के लिए बहुत सारे लोगों, सैकड़ों लोग भक्तामा रिलिंग चैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी से ले रहे हैं, आप भी अनुभव करना चाहते हो तो जरूर जुड़िए। आरोग्य के लिए जो लंबे समय से आप दवाइयाँ खा रहे हो तो आज खास करके नई दवाइयाँ लाइए और संकल्प के साथ में कि भाई मैं पूर्ण स्वस्थ, ये दवा के प्रभाव से मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ, भक्तांबर की 41वीं गाथा का मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, भक्तांबर हीलर बनिए, खुद का भविष्य खुद लिखिए। तो यह अद्भुत लाभ रवि पुष्य नक्षत्र का, तीन लाभ, चौतरफा लाभ, सभी राशियों को महालाभ। तो आइए तैयार हो जाइए 11 अक्टूबर के पहले, सारी तैयारियां करते हुए आप मनोमंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, प्रभु के शरण, प्रभु के नजीक जाने का प्रयास कीजिए और आपके सारे संकल्प ईश्वरीय शक्ति प्रकृति के द्वारा पूर्ण हो, यही भावना के साथ नए विषय के साथ वापस जुड़ूंगा। और भी कुछ जानना चाहते हो तो जरूर संस्था का संपर्क करें। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार।